फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। देखिए एक ये चार्जर है हमारे पास और ये है हमारा, देखिएगा 71 वोल्ट, 71.4 वोल्ट और 6 एम्पियर है। अब इसको आप लोगों देखिएगा तो ये चार्जर क्या है कि यहाँ पर ये रिपेयर कर चुका हूँ मैं। अगर पीछे से आप लोग देखेंगे तो आपको रिपेयरिंग लग रहा होगा। यहाँ पे मॉस्फेट ख़राब था इसका, देखिए ये अभी एसी में लगा हुआ है। एक मिनट निकाल लेता हूँ मैं। तो देखिए तो इसका ये दोनों मॉस्फेट हमारा ख़राब था, ये वाला और ये वाला, और इसकी ये वाली आईसी भी एक ख़राब थी और ये दो रेजिस्टेंस ख़राब थी। ये रिपेयर कर दिया है मैंने, ठीक है। रेक्टिफायर थोड़ा सा ड्राई सोल्डिंग था वो भी मैंने कर दिया है। देखिए क्योंकि मैंने इस साइड कोई भी काम नहीं किया है, जो भी काम किया है हमने इस साइड को काम किया है मॉस्फेट सेक्शन में। इस साइड बहुत कम प्रॉब्लम आती है। तो देखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है कि अब 71.4 का ये चार्जर है तो आप लोग बोलेंगे कि सर इसको चेक करने के लिए हमें 71 ही वोल्ट चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको 48 वोल्ट पर चेक कर रहे हैं और ये आप देखिएगा परफेक्ट तरीके से चेक होगा, ठीक है। तो इसको देखिए, ये मैं एसी लगा रहा हूँ यहाँ पर, ऑन करूँगा तो देखिए जैसे ही ऑन करेंगे हम लोग तो देखिएगा यहाँ पर हरी बत्ती ब्लिंक ऑन नहीं करेगी, बिल्कुल फुल जलेगा देखिएगा। लेकिन इसमें ये इस प्रकार से काम करता है कि कभी इसमें वोल्टेज आता है, कभी छोड़ता है, कभी आता है, कभी छोड़ता है। देखिए मेरे पास ये, देखिए यहाँ पे मीटर में देखिए आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, देखिए आ रहा है ना, देखिए। अब ऐसा नहीं कि मैं एमसीबी पर ऑन कर रहा हूँ, अब मैं एमसीबी इसका डीसी देखिएगा, डीसी सप्लाई मैंने यहाँ पे 48 वोल्ट दे रखा है। ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये देखिए यहाँ पर आपकी चार्जिंग सॉकेट लगा रखा है। अब देखिए मैं दे रहा हूँ तो देखिएगा यहाँ सामने, यहाँ देखिए ये रेड एलईडी जो थी जो ब्लिंक कर रही थी वो देखिए क्या हुआ। देखिए मैंने दे दिया है, अब इसको देखिए एम्पियर नहीं ले रहा है अभी, देखिए कोई बात नहीं अभी चार्ज नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर ये चार्जर जो रखा है हमने, अभी आप देखिएगा तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो देखिए ग्रीन बत्ती चल जाएगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए वोल्टेज बल्ती आ रही है जा रही है क्योंकि इसके साथ डीसी कनेक्ट अभी नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे डीसी कनेक्ट जैसे ही करूँगा तो देखिए ये रेड हो जाएगा, और रेड होने के साथ ये क्या होगा कि हमारी एम्पियर ये तुरंत ही क्या करेगा, ले लेगा, देखिए ले लिया। और इसका फैन देखिए, जब ये एम्पियर लेगा तो इसका फैन भी बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर चलने लग जाएगा। दोबारा एक बार और बंद करके दिखाता हूँ, कभी भी अगर इस प्रकार से चार्जर आता है 71 वोल्ट हो या 70 वोल्ट हो या 60 वोल्ट हो, 48 वोल्ट पे ये चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऑफ करता हूँ तो देखिए यहाँ पर फैन ऑफ हो गया दोबारा से, ठीक है। और देखिए दोबारा ऑन कर रहा हूँ, देखिए इसने एम्पियर लिया। अभी देखते हैं कि क्या इसका फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है ऑटोमेटिक अपने आप ही, तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हिलाने के बाद फैन चल रहा है, तो इसमें पकड़िएगा सर इसका, अगर इस कंडीशन से कभी मेरा फॉल्ट आता है तो देखिए पहले सबसे पहले इसको मैं रिमूव करता हूँ फैन वाली सॉकेट को। देखिए यहाँ पे जो फैन वाली सॉकेट है ऑफ करके और इसको डीसी ऑफ करके इसको रिमूव करके देखता हूँ कि क्या यहाँ पे वोल्टेज पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये गम लगा हुआ है, इसको निकाल लेते हैं सही से बचा के। यहाँ पर पेट्रोल लगी सर, थोड़ा गम लगा हुआ है इस कारण से नहीं निकल रहा है, निकल जाएगा देखिए। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हमारा ये फैन अपने आप ना चलने का कारण है, अगर एम्पियर ले रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसमें चार्जर के अंदर प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको देखिए निकल गया, इसमें एक बार मैं क्या करता हूँ दूसरा फैन का लगा के हम देख लेते हैं। देखिए एक मेरे पास और चार्जर रखा हुआ है, इसका हम फैन लगा के यहाँ पर क्या करेंगे जी, चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर नहीं चलता है फिर मैं इसका प्रॉब्लम बताऊंगा, अभी तो मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन तुरंत फॉल्ट बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। देखिए इसमें भी ये देखिए तुरंत अपने आप ही चल गया, तो अभी क्या फॉल्ट निकला, फैन का प्रॉब्लम है, फैन की प्रॉब्लम है। लेकिन अभी हम ऐसे क्लियर नहीं मान सकते कि भाई ये फैन का प्रॉब्लम है,
हम डीसी 20 वोल्ट पे वो करेंगे, मल्टीमीटर को करेंगे डीसी 20 वोल्ट पे, और यहाँ पर फैन का प्लस और माइनस का वोल्टेज चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं है ये प्लस और माइनस का वोल्टेज ही ड्रॉप हो रहा हो। तो देखिए देखते हैं, तो देखिए ये वोल्टेज बिल्कुल ओके है, 11 वोल्ट के समथिंग है। अगर ये 10 वोल्ट से नीचे आ जाता हमारा तो फॉल्ट मानते, अगर फिर भी ये 10 वोल्ट से नीचे आ रहा है तो इसका एक रीजन होता है, मैं आप लोगों को आज शेयर कर रहा हूँ। देखिए फैन बिल्कुल झनाकेदार चल रहा है ना जी, मस्त आवाज सुनाई जरा आगे करके। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा से ऑफ करता हूँ और इस वाले फैन को लगाता हूँ, देखिए इस वाले को, तो देखते हैं क्या ये चलता है कि नहीं चलता है, पता लग जाएगा हमें। देखिए देखिए ये भी अब चल रहा है, लेकिन इसकी स्पीड इसमें नहीं है, ये फैन हमारा जाम टाइप का है। अगर फिर भी अगर ये प्रॉब्लम आती है, अगर आपके पास फैन नहीं चलता है तो देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से दिखाइएगा सर, दिखाइए यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर ही हमारा फैन का जेक लगा है, ये देखिए ये लगा है यहाँ पर, थोड़ा नजदीक जूम कर लीजिए, ये बोतल लगा लीजिए यहाँ से, देखिए यहाँ पर ये फैन का जैक लगा है। अगर आप लोग ये पीछे देखेंगे तो ये दोनों पिन उसी का है ना जी, और इसी के साथ आप देखेंगे तो एक कैपेसिटर मिलेगा आपको यहाँ पर, मैं आप लोगों को लाइव निकाल के दिखा रहा हूँ, देखिए ये कैपेसिटर मिलेगा, एक सेकेंड थोड़ा सा चालू रखिएगा, मैं यहाँ पर हमें क्या मिलेगा जी, कैपेसिटर, एक मिनट चिमटी पकड़ना पड़ेगा, काफी अंदर है, यहाँ पे हमें एक कंडेंसर मिलेगा, कोई बात नहीं पंप से निकाल लेते हैं, थोड़ा सा अंदर फंसा हुआ है, हल्का सा पेस्ट लगा लेंगे, डीसी ऑफ कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा चालू, डीसी चालू नहीं होना चाहिए। देखिए अब इसको मैं नोक पिलास से बहुत इजीली तरीके से इसको पकड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे जो कंडेंसर लगा है 47 माइक्रोफेरिड, मतलब 47 UF 50 वोल्ट, तो यहाँ पर इसका माइक्रोफेरिड आप बढ़ा देना है आपको, 47 की जगह 100 कर सकते हैं आप, 100 कर लीजिए, 220 कर दीजिए, इससे क्या होगा कि ये जो वोल्टेज की स्पीड है वो स्पीड भी बढ़ जाएगी और तुरंत ये चलने लग जाएगा। मैं आपके सामने ये चेंज करके फिर दिखाता हूँ, पॉज कर लीजिए जब तक। 47 माइक्रोफेरिड 50 वोल्ट है, तो हम इसमें थोड़ा सा बड़ा लगा रहे हैं क्योंकि इसमें का सेम मेरे पास नहीं है, मैं इसमें 100 UF 100 वोल्ट का कैपेसिटर लगा रहा हूँ, क्योंकि वोल्टेज और UF हम थोड़ा सा इंक्रीज करके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या होगा, इसकी चार्जिंग का टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, और देखिएगा अभी मैंने यहाँ पे लगाया तो थोड़ा सा देखिए क्या दिक्कत कर रहा है जी, बड़ा पड़ रहा है, क्योंकि फैन के से हमें बड़ा लग रहा है, बड़ा पड़ रहा है, तो हमें घबराना नहीं है। देखिए हमें मोड़ के यहीं पे सेट कर देंगे यहाँ पर, देखिए अगर इस साइज का है तो ठीक है, नहीं तो हमें यहीं पर देखिए परमानेंटली क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम ये नहीं करेगा। देखिए हम फिलहाल टेस्ट कर ले रहते हैं, बाकी अगर अभी हमारे पास दूसरे चार्जर में से निकाल के सेम लगा देंगे, आप लोगों को दिखा रहे हैं, अगर नहीं भी होता है तो हम ऐसे ही चलने भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा आप ये कर लीजिए कि स्लीव उसके पिन पे क्या करना है, स्लीव लगा देंगे। और देखिए अब मैं फिर से वही फैन चेक कर रहा हूँ, तो देखिएगा उसका स्पीड भी तेज होगा और उसका काम भी अच्छा होगा। देखिए मैं एक बार डीसी एसी लीड लगा देता हूँ, ये वाला है ना जी, लगाया इसको चालू किया, देखिए लगा दिया, देखिए इसने चार्जिंग ले लिया, और मैं फैन लगाता हूं तो देखिएगा, देखिए यहां पर ये फैन में भी प्रॉब्लम है, फैन हिलाने के बाद चल रहा है, फैन का सेंसर का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर अगर यार यहाँ पे वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से, तो थोड़ा बहुत वोल्टेज में भी फर्क जरूर पड़ा होगा। देखिए देखिए आ गया वोल्टेज में फर्क, पहले कितना आ रहा था, 10.7। अब देखिए मैंने कैपेसिटर बदला तो यहाँ पे क्या हुआ, 11.35 वोल्टेज, 11.35 11.37 आ गया। तो देखिए अभी अगर मैं इसको निकाल देता हूँ फैन में, तो देखिए रियली प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन मैं अगर ये लगाऊंगा तो और धुएंधार चलेगा इसमें, धुआंधार समझते हैं जी, क्या बोलते हैं उसको, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर,
देखिए दिखाओ, दिखाइए भाई, बंटी जी कह रहे हैं दिखाइए, दिखाने में क्या तकलीफ हो रहा है, बंटी जी कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आता है और ये ट्रिक आपको जानना है तो भाई यहाँ आना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा। नहीं तो भाई अगर पैसे ज़्यादा है वेस्ट करना है तो आपका पैसा, आपका दिमाग, आपकी मर्जी, जहाँ मर्जी जाए। ठीक है, एक महीने का कोर्स है, रहना खाना कंप्लीट, 20,000 रुपये फीस होगा, पूरा जीरो लेवल से काम सिखाया जाता है। ये सभी चीज़ें लाइव में कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्लास में इस टाइम कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बनकर